अमझरा के समीप फिर एक तेंदुए के हमले में 1.5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद धार रेफर किया गया है। पूरी जानकारी के अनुसार अमझरा के नजदीक ग्राम कड़दा में खेत पर काम कर रहे परिवार की 1.5 वर्षीय वर्षा पिता प्रभु एमलियार भी वहीं खेल रही थी। इस दौरान शाम करीब 5 बजे अचानक भेरूघाट के जंगल से तेंदुआ आया और मासूम बच्ची को अपने मुंह में भर कर ले जाने लगा। इस दौरान बच्ची का शोर सुनकर मौजूद परिजनों और लोगों ने तेंदुए पर पथराव कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे घबराए तेंदुए ने मासूम वर्षा को वहीं पटक दिया और जंगल में भाग गया। जिसके बाद तुरंत परिजन घायल मासूम वर्षा को लेकर अमझरा चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टर AK चौधरी द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बालिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत धार जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से एक और जहां क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि आए दिन इस क्षेत्र में तेंदुए के हमले की घटनाएं होती रहती है, जिसमें कई लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। वहीं पूरे घटना की सूचना वन विभाग अमझरा को भी दे दी गई है, जिसके बाद विभाग हरकत में आया है। मैं 10-10 फीट दूर था लड़की से और वो लेके उठा के लेके भाग। कहाँ पे काम कर रहे थे तुम? खेत में। खेत पे काम कर रहे थे? हाँ। तो कैसे एकदम से आया, क्या ले गया? ये पता ही नहीं चला, झपट्टा मार के उठा के ले भागा। अच्छा, फिर तुमने कैसे बचाया उसको? फिर हम मैं चिल्लाया भाई को, मैं पीछे ही लग गया उसके और भाई को चिल्लाया और आस पड़ोस वाले उनको चिल्लाया, भाई चिल्ला 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 कर रखे। फिर ये भी नीचे आए, फिर नीचे हमने सबने ढूंढा। क्या नाम तुम्हारे लड़के का? वर्षा। अभी एक ग्राम करदा से वर्षा पापा प्रभु नाम का तेंदुआ के काटने से लाए गए। इसको गर्दन में जो घाव है वो पीठ पे घाव है, घाव का जो है हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, परंतु बच्चे को जो है सांस लेने में तकलीफ आ रही है, इसलिए इसको जिला अस्पताल पे रेफर किया जा रहा है। थोड़ा बच्चा हाई रिस्क में है।